इधर नालागढ़ के रोपड़ मार्ग स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में काम करने के एवज में फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मेडिकल डिवाइस पार्क के ठेकेदारों और कर्मचारियों ने तीन स्थानीय युवकों पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक कंपनी में आए और उन्होंने पहले ट्रक लगाने की बात कही। ठेकेदार के मुताबिक उन्होंने जेसीबी लगवाने के बाद ट्रक लगाने की बात कही। इसी बीच तीनों युवकों ने गन प्वाइंट पर कर्मचारी और ठेकेदार से 5 लाख रुपये प्रति माह की फिरौती मांगी, फिर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली चलने के से किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन तीनों युवकों में पत्थरबाजी की जिसके कारण कर्मचारी घायल हो गए। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कर्मचारी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसका इलाज जारी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। आप देख रहे हमारे साथ हैं बद्दी के एसपी मोहित चावला जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका फार मीडिया। धन्यवाद अनवर सर। सर आज जो हादसा हुआ इसके बारे में क्या? देखिए रात तकरीबन 4:30 और 5 बजे कल जहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क है थेलीवाल, वहाँ पे तीन युवक आते हैं और वहाँ पे जो सब कॉन्ट्रैक्टर उनको बोलते हैं कि हमें यहाँ पे काम दिया जाए, हमारे ट्रक या कुछ लगाए जाए, बट इस बात को लेकर उनकी कुछ बहस होती है और जो उनका मुंशी है उसके फेस पे वो पंच लगाते हैं या फिर बट से प्रहार करते हैं, उससे उसकी पुष्टि है, उनको माइनर इंजरी आती है, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस को तकरीबन 5:45 इतला आती है और ये डीएसपी साहब को ही कॉल आता है। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ, एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर जाते हैं और वहाँ से एक रुका छोड़ते हैं और FIR दर्ज कर लेते हैं। उसमें एक बात ये भी सामने आती है कि वहाँ पर गोली चलाई गई है या उनको वेपन दिखाया गया है, जो भी पुष्टि जिसकी हम करेंगे। तीन टीम्स इसमें काम करती हैं और 5:34 पे ढेरोवाल बैरियर से उनकी जो वाइट कलर की स्विफ्ट है आइडेंटिफाई कर ली जाती है। उसके बाद टीम उनको नैप करने में लग जाती है। आज सुबह तड़के ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक राजेंद्र और जिंदू है जो यहाँ से वरुणा के रहने वाले, एक बालकृष्ण हैं जो कालीबाड़ी के हैं और एक मेजर सिंह हैं जो किरतपुर साहब चांदूपारा बेला के हैं। तीनों के खिलाफ पहले ही 5 और 1 के खिलाफ 5 और 1 के खिलाफ 9 आपराधिक मामले हैं। विवाद का जो मुख्य कारण प्रतीत होता है कि ये वहाँ पे काम करना चाह रहे थे, अपनी गाड़ियाँ लगवाना चाह रहे थे, बट इनका तरीका बात करने का या अप्रोच करने का कतई गलत है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और मेडिकल डिवाइस पार्क क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली है, तो हम मेरी बात भी हुई, हम वहाँ पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स कर रहे हैं वील इंश्योर दैट। सर मेरा आपसे सवाल, जब से डिवाइस पार्क बना है कोई ना कोई हादसा डेली हो रहा है वहाँ पे, सर इसका पक्का सुशील क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए डेली तो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी काम शुरू हो गया और 15 के बाद तो काम रफ्तार पकड़ेगा, तो वहाँ पे हम प्रपोज कर रहे हैं कि एक टेम्परेरी पुलिस चेक पोस्ट जिसको ढेरोवाल से कनेक्ट कर देंगे और सरकार को लिखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को लिखेंगे कि वहाँ पर तारबंदी भी की जाए, CCTV भी, क्योंकि हमने इस पर भी एक प्रॉपर लीड CCTV के माध्यम से हमें आई, तो मेडिकल डिवाइस के आसपास भी हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि CCTV लगवाए जाए। धन्यवाद।